मैंने यहाँ दो टिकट वगैरह ले लिए, इसके अंदर भी जा सकते हैं। हम दोनों फिर से गुम हो गए क्योंकि उधर उस साइड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में ही मैंने बताया था कि हम कहीं बाहर जाएंगे ब्लॉग शूट करने के लिए। खलगाट के पास अभी हम लोग रुके हुए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मांडो है ना, मांडो के लिए हम लोग जाने वाले हैं। देखो बतख तैर रही है। चिनू भाई और मैं निकल जाएंगे डायरेक्ट मांडो के लिए, और ये इसके मामा के यहाँ कुछ काम है, उसके लिए अर्जेंट इन दोनों को जाना पड़ रहा है, और पवन के साथ भरत पे जाएगा। तो ये दोनों उधर निकल जाएंगे, हम लोग जाएंगे सिनू भाई और मैं मांडो के लिए, उसके बाद में ये पीछे से आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोग मांडो पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी एक जगह हमने देखा यहाँ पर ना मस्त जंगल जैसा है, तो अभी हम लोग अंदर जाने का सोच रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे का भी आप लोगों को व्यू दिख रहा होगा कैसा क्या है। उधर भी कुछ लोग रुके हुए, हम लोग भी यहाँ पर रुक गए कि हम इसके अंदर जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं ना पेड़, इनके अंदर जाएंगे, पूरे जंगल में जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और मज़ा आएगा। और आपको तो पता है ऐसे जंगलों में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। और रिस्की भी रहता है। हाँ, तो सावधानी पहले रखना चाहिए, ठीक है। सावधानी है ना अपने साथ में, है ना दो जन। हाँ, सो हम निकल रहे हैं जंगल में, जंगल के बीच में हम लोग आ गए। और हम लोगों को वैसे तो मैंने बताया था ना मांडव जाना है, लेकिन उससे पहले सोचा कि यहाँ अभी थोड़ा रुक लेते, और अभी यहाँ पानी वानी भी था तो हम लोगों ने मुँह वगैरह भी धो लिया। शेर वेर के बड़ा जानवर नहीं आ जाए यार। आ भी जाए तो मुझे जिससे तेज भागना है भाई। माल नहीं, धमाल मैंने भी देखी है। मैं बोलने वाला था वो तो। तूने बोल दिया ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चढ़ूंगा यार पेड़ कहाँ पे, वीडियो बना इधर पेड़ पे नाव बना देता हूँ। ये देखो जंगल के बीच में फंस गए हम लोग। ये पहली पेड़ है ये। गाइस, हम लोगों को यहाँ काफी टाइम हो गया है, ये वाले पेड़ों उन पे हम चढ़ भी रहे, मस्ती कर रहे। और पता है ऐसे पेड़ पे चढ़ रहे जिस पर मतलब चढ़ना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिनू भाई ये वाले पेड़ पे चढ़े थे और ऊपर तक चले गए थे, ऐसा लग रहा था कहीं। और ये देखो ये मेहनत का फल है। मेहनत का फल नहीं है, होशियारी है ये। जो की आप बिल्कुल ट्राई मत करना। आप ये तो ट्राई कर सकते इनके इसके हिसाब से, ठीक है, पर मैंने ही सब सिखाया इनको तो। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप लोग ये देख के बताइए, पता है यहाँ पर ना सारे के सारे पेड़ एक जैसे ही है, सेम टू सेम ही है, पलास के है ना। अरे पलास नहीं, फिर कहीं के? सागवान के। सागवान के, एक मिनट में आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। सागवान के, सागवान के, ठीक है, सागवान के भी है पेड़। सागवान की जो लकड़ी है ना वो पुष्पा, पुष्पा में जो लकड़ी बेचता है ना, है वो वाले टाइप के। तो ये टाइटल नहीं हो सकता? तो गाइस हम लोग पुष्पा वाले जंगल में आ गए। हाँ हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। अपना काफी अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, और मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से कहीं जाने का। यहाँ हम लोग जाने की सोच रहे थे, लेकिन इधर भैया जो बैठे हुए उन्होंने बोला यहाँ मत जाओ, दूसरी जगह जाओ, यहाँ बहुत बदबू आती है। क्यों सुनो भाई, कितने टाइम की बात आए? मैं तो पता नहीं, 2016 में ये आए थे, और मैं भी शायद 2014 या 2015 में आया था, तो मुझे वैसा कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ से गए थे, कहाँ गए थे, क्या करा, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अभी तो एक जगह हम लोग रुके हुए यहाँ पर, ये देख सकते हो ये कुछ है, कुछ इस तरह से जाने का है यहाँ पर, देख सकते हो ये। तो सिनू भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आगे जाके देखते लग तो ठीक रहा है, पर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जगह का नाम क्या, वो भी नहीं पता चल रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। ये देखो सोमवती कुंड, और कुछ इस तरह से ये कुंड देखो, ये क्या है, कितना बड़ा है ये महल कौन सा है जहाँ पर अपन आए हुए? सोमवती कुंड लिखा हुआ था, वो ये महल कौन सा है वो हम लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई आइडिया नहीं। मैं मतलब पहली बार आया था ना जब, इतने अच्छे से नहीं देखा था। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से निकल निकल के जा रहे हैं, यहाँ पर शूट हो रहा है ना वेडिंग का, ये कुंड जो वहाँ से दिखाया था। अच्छा भी नहीं लग रहा है, अब तो भूख भी लगने लग गई है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं किसी और महल जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेन जगह तो शायद यही है। 25 रुपए का कुछ टिकट है ये,
यहाँ से लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ दो टिकट वगैरह ले लिए। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि बाइक ना उधर ही रोकनी पड़ेगी, मतलब वहीं रख के जानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, बाइक भी साथ में ले जा सकते उधर आगे तक। बहुत अच्छा लगता है यार ऐसी कहीं नई जगह पर आकर फिर ब्लॉग शूट करने में बहुत मजा आता है। बस आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, और चैनल पर अगर कोई न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। ज़्यादा कुछ खाने को यहाँ मिलता नहीं है, चिप्स वगैरह ही खा सकते हो, और मिलता भी हो तो पता नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं रानी रूपमती महल, समझ रहे हो। यहाँ पर भी ऐसा ही घर है जो कि हमारे गांव में देखने के लिए मिलते हैं। ये कौन सा फल है? ये क्या? इमली है। इमली है? देखो ये इमली है। आप में से किस किसी ने देखा है ऐसी इमली? और यहाँ पर ना स्कूल के बच्चे काफी सारे आ रहे हैं। चले यहाँ पर आगे चलो। और ऐसे दुकानें लगी हुई यहाँ पे, टेप वगैरह भी है। देखो यहाँ गन्ने का जूस। ज्यादा पैसे कहीं नहीं लगे यार, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पेट्रोल खत्म हो सकता है भाई, हमारा खत्म हो ही जाएगा। हाँ मजा आ रहा है यार। ये अंदर जाने के लिए टिकट देना पड़ेगा। दे दिए टिकट हम लोगों ने। थोड़ी थकान से भी महसूस हो रही है, बट क्या करें, ये क्या करेंगे, और किसी और को भेज देंगे। देखो अमृत महोत्सव ये दिए और उनको सिर्फ उन्होंने फाड़ा है, बाकी कुछ नहीं करा है। मेरे को लगा इसके ना होगा यार, हमारी सेटिंग रहती तो हम भी उनके साथ आते। देखो ऊपर चढ़ना है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हो सांस फूलते जा रही है। नहीं, पर यहाँ से देखो ये कैसा क्या लग रहा है। हमें लगा नहीं था कि इतनी सारी भीड़ होगी। हाँ ये क्या है, कितना छोटा है, यहाँ पर ना झुक के जाना पड़ेगा। अरे ये कैसा है, ये क्या है? देखो सुनसान है ये। अरे इसके अंदर भी जा सकते हैं। देखो ओ मूवी और में देखा होगा ना, वो छुपने की कोई जगह टाइप रहती है ना, सैनिक वगैरह घुस जाते या चोर घुस जाते, वैसा कुछ लग रहा है। ऊपर आ गए हम लोग, कितना ऊपर आ रखे हैं। देखो आप में से कोई यहाँ पर आया है कि नहीं बताना। रानी रूपमती महल यहाँ कितना मस्त लग रहा है। देखो ये छोटी सी बच्ची, गार्डन जैसा एरिया भी यहाँ पर। ये थक गए ना, एप्पल के जो फल है ना वो लगे हुए, बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। दिखाऊं मैं कितने सारे आ रखे, आप पीछे देख सकते हो, शायद आ रखे थे, पता नहीं किधर चले गए अभी थोड़ी देर पहले थे। उधर उस साइड में जा रहे इस साइड। हाँ वो सब ना अलग अलग जगह जाकर मतलब फोटोग्राफी कर रहे सब, ब्लॉग तो सिर्फ हम ही बना रहे, बाकी ज्यादा कोई दिख नहीं रहे ब्लॉग शूट करते हुए। और आप यहाँ से भी देख सकते हो नीचे का कैसे क्या व्यू आप लोगों को दिख रहा है। देखो जाने का मन ही नहीं हो रहा यहाँ से, झुक के निकलना पड़ेगा, देखना लग जाएगी। कितना सकड़ा है, देखो उतर के जाएंगे। अरे मैं कहीं नहीं बात करता, ये लोग आए नहीं यार। यार कितना अच्छा प्लान बनाया था, अब वो कौन सी जगह जाएंगे करके, मानो जाएगी अच्छा वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। क्या करते हैं, चार तो बज गई है और कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है, क्या करेंगे अपन फिर। आधे घंटे में आ रहे क्या, जैसे कि हमने आए नहीं कभी। अरे नहीं रे नहीं आ पाओगे। अरे नहीं आ पाएंगे, वापस कब जाएंगे फिर अगर। अरे मेरी बात सुनो, तुमने पहले भी ऐसे किया था, अभी भी तुम ऐसे ही किए हो। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ दो बंदे अलग आए हैं ना। अरे ये पवन को भी बोल रहा हूँ। घर ही मिलेंगे आराम, कार्गो नहीं मिलते अब चलो। अरे सालो मिलो, नाटक मत करो। अरे नहीं यार हम निकल रहे हैं, तो पेट्रोल भी खत्म हो गया गाड़ी में। निकल गए हम नाम नोट के से तो पहुंचे खलगाट के आगे। नहीं जाते नहीं आपके। अरे नहीं इतना पैसा नहीं हमारे पास। चलो ठीक है। हाँ हमने ये दोनों मामा के जा रहे करके
आए ही नहीं और हम दोनों भी सियाने हैं, हम लोग डायरेक्ट मारो निकल आए। देखो हम लोग उनका वेट करते तो हम लोग ना नहीं आ पाते। और आप वो 4 बजे फ्री हुए, ठीक है, जब तक तो हम लोगों ने पूरा मतलब पूरा तो मांडो नहीं, हम लोगों ने घूमा 2 बजे तक। हाँ 2 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन हमको अंदर से मतलब पता चल रहा था कि 2 बजे नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं, हमने वेट किया फिर हम निकल आए। फिर हमने सोचा कि भाई निकलने में फायदा है भाई, और आगे देख भी लिया और आप लोगों ने भी देखा। आप अपना प्यार देना अच्छे से, सब तो ठीक है। अब पेट्रोल नहीं खत्म हो जाए गाड़ी में, होगा ही होगा नहीं तो। चलो पहले आगे नहीं, देखो अभी हम तो माड़ो में ही है, ठीक है, अभी हिला के देखते हैं पेट्रोल की टंकी। और बाइक वगैरह हम यहीं रखे गए थे और हेलमेट में यही रखे गए थे, हम ऊपर कहाँ लेके जाते करके। तो अभी पानी वगैरह पीते उसके बाद में नॉर्मल लो, नॉर्मल तो बहुत ही ठंडी है। ये वाले देखना कितना है, वो ये पीते हैं, गर्म लग रहा है तो। हाँ वही ले। हाँ और थोड़ी कम ठंडी है, पीको पूरा गर्म रहे। ये ज़्यादा ठंडी लग रही है। हम लोग ना एक जगह तो मिस ही कर रहे थे, वो जो जिस भैया के पास हम लोग गए थे ना, जैसे पानी वगैरह लिया हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि पास में एक और है, यहाँ पर भी आप लोग घूम लो अच्छे से। तो यहाँ पर गार्डन टाइप देखो कैसा क्या बना हुआ है, देखो कितना मस्त है ये गार्डन। ये अच्छा उन्होंने बता दिया यार, वरना ये तो पता ही नहीं चलता कि इतनी अच्छी जगह और भी यहाँ पर। बहुत शांति यहाँ पर वैसे तो अगर देखा जाए तो। छोटा सा एक कुंड भी है यहाँ पर, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। पता नहीं कोई ब्लॉगर टाइप दिख रहे हैं ऐसे आवाज़ दे रहे मुझे। ऊपर जाने का है कोई रास्ता हो तो पता नहीं किधर से देखना पड़ेगा, इधर ही किधर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्लॉगर भी दिख रहे थे हम लोगों को। कहाँ है, अरे कहाँ है, इधर सब वो उसी को शूट कर रहे थे फिर जो दिख रहा नहीं है क्या। यहाँ का भी व्यू देखो कितना मस्त है। पहली बार देखने को मिला, अब तो सर के ऊपर ही आ गया, देखो वो देखो कितनी सारी भीड़ अचानक आ गई यहाँ पे, देखो। अभी आपने देखा होगा मैंने ऊपर से थोड़ी भीड़ दिखाई थी ना, वहाँ पर एक रास्ता तो वो साइड में जाने का, पर वो लॉक ही कर दिया है, मतलब फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहेंगे वो। अभी एक दूसरा यहाँ से रास्ता है। किधर हो, अरे मैं इधर आ गया, सिनू भाई यहाँ से गायब हो गए। सिनू भाई किधर घुस गए, हम दोनों फिर से गुम हो गए क्योंकि भीड़ थी। वो उधर चले गए, मैं इधर चले गए, वापस मुझे इधर ही जाना पड़ेगा तभी। देख पिल्ला भूल भुलैया टाइप भी है थोड़ा बहुत। मुझे भी नहीं पता था जहाँ मैं गया था ना, वो मम्मी के क्या पूर्वजों का है। हाँ, मम्मी के जो पूर्वज थे ना, पूर्वज हाँ मतलब जहाँ हम लोग गए थे माडोगढ़ के थे, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं था। अभी जैसे मम्मी को मैंने बताया ना कि मैं वहाँ गया था, तब मम्मी बता रहे, तब मम्मी वहाँ छोटे होंगे ना, मतलब तुम्हारे पप्पा के पप्पा मतलब जो बुजुर्ग समझ सकते ना वो, मतलब माडोगढ़ के थे। उसके बाद जामली आगे बड़गांव कोई गाँव का नाम होगा मुझे नहीं पता, वहां से फिर जामली आया है ना। बहुत सारे किले भी है वहाँ पर, महल वगैरह। हम रानी रुकमती महल गए थे और एक जगह गए थे उसका तो नाम मुझे याद नहीं है, जो भी था आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया। तो बताना आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।